उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में आजाद समाज पार्टी इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद मायावती के कमजोर होने के बाद पैदा हुई जगह को भरने की भरसक कोशिश में जुटे हैं। इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी में जिला स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि पूर्वांचल की धरती बहुजन आंदोलन की सबसे मजबूत धरती रही है, ऐसे में पार्टी की कोशिश जनता के दिल में जगह बनाने की है। आजाद ने दावा किया कि उनकी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम रखती है। पूर्वांचल में जो हमारे लीडर्स लोग हैं, चाहे वो भीम आर्मी के हों, आजाद समाज पार्टी के हों, वो बहुत ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं। उनके काम की वजह से जब जिला पंचायत का चुनाव है, हमने जिला पंचायत भी जीते और भविष्य में जो भी चुनाव आएगा उनमें भी हम लोग जो है मजबूत भागीदारी आजाद समाज पार्टी की रहेगी। जमीन पे जो काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, उससे जनता के बीच में आजाद समाज पार्टी की का विश्वास बढ़ रहा है और जनता उन पर विश्वास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत जो है पूर्वांचल में बनेगी। आजाद को विश्वास है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी दोनों के संगठन इस बार फिजा बदलेंगे और लक्ष्य बनाकर काम करने पर सफलता जरूर मिलेगी। अगले महीने यानी फरवरी से पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की रैलियां शुरू होंगी। आजाद ने कहा कि जिन सीटों पर पार्टी मजबूत है वहां चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के जरिए भी वोटों की चोरी हो रही है, इसलिए उनकी पार्टी ईवीएम द्वारा वोटों की चोरी रोकने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मेरी नाराजगी तो भारत की जनता से है कि भारत की जनता तमाम तरह की मुसीबतों को सह रही है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रही है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि नाराजगी करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईवीएम द्वारा भी वोटों की चोरी हो रही है। ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी ना हो, लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके लिए भी हम एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं। इन समीक्षा मीटिंग में हम ये बता रहे हैं कि ईवीएम द्वारा वोट की चोरी रोकने के लिए भी हमें मजबूत आंदोलन करने हैं। ईवीएम पे हमारे जिला स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय आंदोलन होंगे और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी नियुक्ति भी सरकार करती है, इसलिए हम उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वोट जो वोटिंग राइट्स है और जो वोट जो जो आपने कास्ट किया वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। हाल ही में आजाद समाज पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन जरूर किया था। राजस्थान की 10 से ज्यादा सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार तीसरे तो 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। अब मायावती के कोर दलित वोट पर चंद्रशेखर आजाद की पैनी नजर है। दलित युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता के बूते उनकी कोशिश है कि सूबे की सियासत में जीत हासिल की जाए। चुनाव आज तक।